हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का एक टीजर का है दर्शकों को इंतजार। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म डंकी जो कि दिसंबर में रिलीज होने वाली है। ऐसे में कल है शाहरुख खान का बर्थडे जहां पर आने वाला है इस बर्थडे के खास मौके पर डंकी का टीजर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से शाहरुख खान अपने बर्थडे पर कुछ ना कुछ करते ही हैं, इस बार अपना बर्थडे एक इवेंट के तरीके से फैंस के साथ मनाने वाले हैं। टाइगर 3 का है इंतजार, एडवांस बुकिंग होगी इस दिन से शुरू। टाइगर 3 जो फिल्म है 12 नवंबर को रिलीज की जा रही है और ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग हमारे देश में 5 नवंबर से शुरू होने वाली है और विदेशों में शुरू हो चुकी थी। वेल, इसके साथ ही साथ ये भी अपडेट है कि नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को एक दिन पहले ही रिलीज किया जाएगा, यानी कि 11 नवंबर को ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी नॉर्थ अमेरिका में। 12 नवंबर को हमारे इंडिया में इस फिल्म का होगा आगाज। क्रिश 4 का है फैंस को इंतजार। हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया था कि क्रिश 4 की जो स्क्रिप्ट है वो लॉक हो चुकी है, जिसे लिखा है राकेश रोशन ने और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। वेल, आपको बता दें क्रिश 4 जो है अगले साल फरवरी टू मार्च में फ्लोर पर आ सकती है, यानी कि अगले साल अगर ये फिल्म फ्लोर पर आएगी तो साल 2025 में ये फिल्म हमें देखने को मिल सकती है। ऋतिक रोशन के अलावा नाम सामने आ रहा है प्रियंका चोपड़ा का भी कि वो एक बार फिर से ऋतिक के साथ इस फिल्म के जरिए जुड़ेंगी। सलार के मेकर्स ने कर ली है अपनी तगड़ी प्लानिंग। जी हाँ, सलार फिल्म जो कि जवान एक्टर शाहरुख खान की फिल्म के साथ रिलीज की जा रही है, यानी कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 तारीख को आएगी, 21 दिसंबर को, और डंकी के अलावा 22 दिसंबर को आएगी हमारे सामने फिल्म जिसका नाम है सलार। तो ऐसे में प्लानिंग तगड़ी चल रही है सलार के मेकर्स की तरफ से। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।